Welcome to the Android PC Editors. This is Vicky again, back with very interesting video. And today I will make a very simple walking month program. So basically it's Arduino project. And ये जो मैं बनाने वाला हूँ आज, ये इसमें मतलब जो हम कुछ LEDs को एक pattern में जलाएंगे, जिसमें ऐसा लगेगा कि जो LEDs का pattern है वो आगे जा रहा है और जो बिल्कुल last point है वहाँ से वो वापस आ रहा है. तो इस तरह का कुछ हमारा ये पैटर्न है, बहुत ही बेसिक सिंपल प्रोग्राम है. तो चलो इसको जो भी है जैसे ही बनाते हैं तो शुरू करते हैं. मटेरियल रिक्वायर्ड में आपको चाहिए एक ब्रेडबोर्ड और कुछ LEDs, और इन सारे LEDs को ना हम ऐसे कनेक्ट कर लेंगे कि इसका जो कैथोड है एक, वो ब्रेडबोर्ड के एक साइड में आ रहा होगा. और ये Arduino मैंने इस 0 से लेके अब तो 12 तक ही चाहिए मेरे को इसके अंदर. वैसे मैंने इसमें 13 तक पिन लगाई हुई है. और हम बिल्कुल सीक्वेंसली इसको कनेक्ट करेंगे. ये सबसे पहले मैं ग्राउंड पिन को कनेक्ट कर रहा हूँ. तो ग्राउंड पिन कॉमन है, वही मैंने ब्रेडबोर्ड के कॉमन वाली साइड में लगाई हुई है. और बाकी जो है वो मैं शुरू करता हूँ 0 से. और इसको मैं थोड़ा जल्दी से कर देता हूँ इसको करने के लिए. तो ये जैसे मैंने ये सबसे पहला पिन लगाया, और सिमिलरली सीक्वेंशली 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके मैंने उसको सारी पिन लगाते जाने. तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ फटाफट, ताकि ये जल्दी हो जाए. ओके, तो जो मैं आपको ये बता रहा था कि इसका जो कैथोड वाला साइड है वो ग्राउंड स्टेट में जाएगा. तो इसमें मैंने अभी वो कनेक्ट नहीं किया है, मैं लास्ट में कनेक्ट करूँगा. तो ये मैंने जो सारे पिन कनेक्ट कर लिए हैं, एक LED और लगा लेते हैं. और ये मैंने ऐसे ही बस 0 से लेके 13 तक सब में वायर लगा लिए थे, पर मुझे लगा कि इसमें जगह नहीं है तो अब मैंने निकाल दिए. और ये मैंने ग्राउंड पिन कनेक्ट करी, और ये मेरा प्रोग्राम लोडेड था ऑलरेडी. अब बस मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ पावर सोर्स से. ये लो मैंने कर लिया है, तो इसे कनेक्ट करते हैं, देखते क्या होता है. ओके, ये ग्राउंड पिन है. ये देखो ये जा रहा है और बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट से वापसी. तो ये ऐसा लगता है जैसे एक आगे बढ़ रहा हो. तो ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, सिंपल प्रोग्राम है. जस्ट आपको अपनी नॉलेज और जो थोड़ा सा आपको इसके बारे में, ये लूप के थ्रू मैंने सी लैंग्वेज में लूप का कॉन्सेप्ट होता है, मैंने उसके थ्रू इसे बनाया. तो आपके थोड़े कॉन्सेप्ट से क्लियर करा देगा इस तरह के प्रोग्राम बनाने चाहिए आपको. तो अगर इसका कोड आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा डेफिनेटली. और आप बना के जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं यही हमें बहुत कुछ सिखाती हैं. जो हमारी ये प्लेलिस्ट है Arduino की, इसको जरूर विजिट कीजिए. मैंने ऐसे ही कुछ सिंपल से प्रोग्राम उसके अंदर डाले हुए हैं, तो सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा. और अगर आपको मतलब इनमें से किसी के लिए भी ना प्रोग्राम को कैसे हो रहा है ये सब कुछ अगर बहुत डिटेल में है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं फिर वो भी उसके हिसाब से बनाऊँगा. अभी मेरे को ऐसा लगता है कि ये बहुत ईजी है, तो आप सारे लोग इसको देख के ऐसे बना लोगे. तो बाकी जस्ट मैं एक आइडिया और ओवरव्यू देता हूँ, बट अगर आपको एक डिटेल में समझना है, इवन मैं कोड भी इसका समझा सकता हूँ कि एक्चुअली में किस तरह काम कर रहा है. पर अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को बता सकते हो. ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.